जो भी आप सोच रहे हो उसके साथ कमिटमेंट होंगे कि नहीं है, उसके साथ फिर से दोबारा बातचीत होंगे कि नहीं है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बा परेशान हो, बा बात भी हो रहा है तो परेशान हो, सब कुछ बोलेंगे, पूरा वीडियो सुनते रहना, ओके। और एक बात बोल रही हूँ, रियूनियन का, यूनियन का चांस बहुत ज़्यादा है, हारमोनियस यूनियन का चांस बहुत ज़्यादा है, पर थोड़ा भी बहुत अलर्ट नहीं रहोगे तो ये डिले हो जाएंगे, ठीक है। तो बार बार बोलने का मतलब ये है, आप लोग अलर्ट रहो, बैलेंस में रहो, ओके, ह्यूमन बीइंग हैं हम लोग, अप डाउन होते हैं, ट्रेन होते हैं, फिर से खुद को वाइब्रेशन हाई पे करो, ठीक है। देखो, आप जो भी सोच रहे हो वो ही डिवाइन काउंटर पार्ट आपके सोच रहे हैं, वो भी इस जर्नी से लगाव रखते कि नहीं है, पास्ट टाइम में क्या गलत किए है, इन फ्यूचर आगे बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, सब कुछ सोच रहे हैं, और रिजल्ट पॉजिटिव आएंगे जो जो हाई वाइब्रेशन में रहोगे। मुझे एक बात बोलना है, जो जो डिवाइन काउंटर पार्ट का सिचुएशन है, उसका फैमिली में, उसके खुद के लाइफ में, उसके काम की जगह पे थोड़ा उथल पथल चल रहा है, इसलिए चल रहा है, ये डिवाइन इंटरवेंशन हो चुके हैं, ठीक है। तो आपको पेशेंस देने की ज़रूरी है। आप बोलोगे कितना पेशेंस मैं दूंगी, तो मत दो, इतना पूछने का ज़रूरत ही नहीं है, है ना। जिसको देना नहीं है तो वीडियो ही मत सुनो, क्योंकि बेकार टाइम वेस्ट करोगे खुद को। जिसको देना है, जाने पर रहना है, तो आप सुन सकते हो, ठीक है। और नए चैनल पर आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और क्या बात है, उन सभी को मैं बोलना चाहती हूँ, थोड़ा पेशेंस रखो और थोड़ा स्पेस दे दो डिवाइन काउंटर पार्ट को। समय सब कुछ ना सही कर देंगे, समय सब कुछ सही कर देंगे। तो बट ड्रेन मत होना, कन्फ्लिक्ट मत करना, क्योंकि सही होने का समय आ चुका है 4-4 पोर्टल के बाद। तो डरो मत, सब कुछ अच्छे जा रहा है, उसको ब्लॉकेज खुद ब खुद क्रिएट मत कीजिए, ओके। इसलिए मैं अलर्ट कर रही हूँ आपको, बार बार जब भी फ़ोन करते हो नेगेटिव सोचो मत, क्योंकि डिले हो जाएंगे और कुछ नहीं होंगे, है ना। तो सुनते रहो एंड अलर्ट रहो, ओके। तो डिवाइन मस्कुलिन का इस समय बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब है, उसका मेंटल पीस नहीं है, उसका हार्ट चक्र बोलो, मेंटल बोलो, बिल्कुल डिस्टर्ब है। जो भी चैनलिंग हो रहा है, जो भी खुद को समझ में आते हैं, जो भी खुद अनुभव करते, वही सब कुछ आप सभी को बोलती हूँ, ठीक है। डिवाइन एंजल्स आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं, आप पहले जैसे हंसी खुशी थे, वो स्माइल कहाँ गायब हो चुके हैं आपको, मैं नहीं, यूनिवर्स बोल रहा है, एंजल्स बोल रहा है, ठीक है। तो वही स्माइल मुंह पे ले आना है, दुखी नहीं रहना है, नेचर के साथ रहो, वॉक करने जाओ, दोस्तों के साथ घूमने जाओ, एक को सिवा भी बहुत सारे लोग आपके लिए है, उसको भी केयर करना चाहिए। एक के पीछे सबका प्यार ठुकरा रहे हो आप, और उन्होंने भी आपके प्यार ठुकरा रहे हैं। तो नेचर के साथ घुलो मिलो, लाफ्टर लाइफ में हैप्पीनेस का प्रभाव को बढ़ाओ, बाहर जाओ, नेचर के साथ टाइम बिताओ, दोस्तों के साथ टाइम बिताओ, ठीक है, बस खुद ही टाइम बिताओ नेचर के साथ, मतलब हैप्पीनेस तो आना ही है। एक जगह लोनलीनेस में कौन कौन आ चुके हैं, बाउंड्रीज क्रिएट कर चुके हो, ठीक है, बट लोनलीनेस क्यों, है ना। तो हंसी खुशी रहो। आपके जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो इस रिश्ते को लेके भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कौन सा सच्चा है, कौन सा अच्छा है और कौन सा फेक है, ठीक है। जितने भी गलत फ्लैमी उसके अंदर थे वो सब कुछ टूट रहे हैं, खुद ही सोच रहे हैं और खुद रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा एवकिंग प्रोसेस उसका चल रहा है डिवाइन के तरफ से, और वो थोड़ा शांत हो चुके हैं, ऐसे नहीं आपसे बात नहीं कर रहा है, सबसे बात नहीं कर रहा है, उसके सराउंडिंग जो भी कोई है इतना बात ही नहीं कर रहा है, सिर्फ काम पे ध्यान है, काम के लोगों के साथ थोड़ा बहुत तो बातें काम के लिए करना है, बट खुद के लिए उसको अच्छे नहीं लग रहा है, दुनिया ठहर चुके हैं उसके लाइफ में, क्योंकि
आप नहीं हो, आप दोनों का प्यार नहीं है, ठीक है। शायद वो आपको बता पाते, शायद वो आपको जता पाते कि उसके दिल में कितना प्यार है। आप खुद ही जानते हो, जिस जिस का दिल का सुनते हो आप खुद ही जानते हो। सब कुछ एक कॉम्प्लिकेशन आ चुके हैं रिश्ते में, बट ये अच्छे के लिए ही हुआ है, अच्छे के लिए ही हुआ है, ओके। इसके प्यार दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ये खुद को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ये चाहते हैं 3D में भी आप दोनों हार्मोनियस यूनियन में आए। थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा स्पेस दो, सब कुछ यूनिवर्स ठीक करेंगे और कर रहे हैं, ऑलरेडी कर चुके हैं, ओके। और एक बात, मैं पर्सनल रीडिंग ले रही हूँ, हीलिंग काउंसलिंग थेरेपी सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ही मेरा सिर्फ नंबर है। और नए चैनल पे आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इस रिलेशनशिप स्टेबल हो जाए, वो उसके पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कैसे ठीक किया जाए, ठीक है। बोल सकते हो एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई भी सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसका जो पर्सपेक्टिव है अभी का, मैं हाई वाइब्रेशन फेमिनाइन के डिवाइन का मस्कुलाइन का बात ज़्यादा कर रही हूँ, वो हायर पर्सपेक्टिव से सोच रहे हैं, ठीक है। देखो जो ड्रेन में है, जो लो है, उसके साथ ये रेजोनेट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्शसनेस की बात हो रहा है जो डिवाइन मस्कुलाइन एवेकन प्रोसेस में चल रहा है। और जो डिवाइन फेमिनाइन को शादी करना है, पाना है, ब्लेमिंग शेमिंग तो उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो रेजोनेट नहीं करेंगे। फिर बोलोगे कब मिलेंगे, मतलब ही आप 3D में ही बिलोंग कर रहे हो, ओके। उसका मन चाह रहा है आपके साथ शुरुआत करने के लिए, उसका आत्मा चाह रहा है आपके साथ शुरुआत करने के लिए, जो भी कुछ हो रहा है गो विथ फ्लो, क्योंकि थोड़ा पेशेंस रखना ट्विन फ्लेम्स जर्नी का। ट्विन फ्लेम्स क्यों, हर टाइप का जर्नी का पेशेंस एक की है, ये मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट मुझे बोलते हैं, ठीक है। तो उसका मैं सुनती हूँ, ठीक है, सुनती हूँ उसको, कभी कभी लगते सुनते नहीं हूँ, नहीं सुनती हूँ, वो उसके नहीं सुनूंगी तो किसका सुनूंगी, है ना। तो डरो मत, ओके। सब कुछ यूनियन बोलो, हारमोनियस यूनियन बोलो, सब कुछ भगवान गॉड प्रोसेस कर रहा है, अब बिल्कुल बीच में ब्लॉकेज मत क्रिएट करो, ओके। अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू, ठीक है, एक दरवाज़ा आपके लिए खोल चुके हैं फोर पोर्टल के बाद, ठीक है। तो इसको गलती से भी ब्लॉकेज क्रिएट मत करो, ठीक है। एक डोर जो भी आप कुछ सोचे हो, 3D का ही बोल रही हो, पहले थोड़ा बैलेंसिंग हो जाओ, 3D का यूनियन होने ही वाला है, बट हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा, ये नियम है ट्विन फ्लेम जर्नी का, ठीक है। तो ऐसे ही आगे बढ़ो, ऐसे ही धीरे धीरे आपका जो भी कुछ ब्लॉकेज है क्लियर हो रहे हैं, धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं और आप एक धाप दो धाप करके आगे जर्नी को बढ़ा रहे हो, आप खुद भी नहीं जानते हो आप कितने आगे बढ़ चुके हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम आपके बारे में सोच रहे हैं और इतना सोच रहे हैं खुद भी नहीं जानते वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, और वो चाहते हैं सब कुछ पहले जैसा सही हो जाए, पहले जैसा सूरज उग जाए, चंद्रमा रोशनी दे। ये जस्ट मैं एग्जांपल के तरफ समझा रही हूँ। एक बात सोचना, डिवाइन मस्कुलाइन नॉर्मल नहीं है, आप जैसे खुद को समझते हो ना, मैं डिवाइन फेमिनाइन हूँ, वो डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसका सोल सब कुछ जानते हैं, वो दबा के रखते हैं अलग बात है, बट इस टाइम डिवाइन उसका जो भी ट्रॉमा है, जो भी वो दबा के रखते थे, सब कुछ बाहर लेके आ रहे हैं। उसका जो घर वाले हैं सबका एक एक फेक चेहरा उसे मालूम पड़ रहा है और उसको मालूम पड़ा है आपके द्वारा उसका जो फेक सराउंडिंग सब लोग हैं उसका फेक चेहरा, जितने भी क्लोज हो, जितने भी हार्ट का क्लोज हो, सबका चेहरा उसका सामने आ चुके हैं, ठीक है। जो मेरे फेमिनाइन को उसके मस्कुलाइन छोड़ के गए हैं, जो जो
डिवाइन फेमिनिन को उसके डिवाइन काउंटर पार्ट दुख देखे गए हैं, अकेले हाथ छोड़ के गए हैं, ठीक है, आपको हाई वाइब्रेशन में लेने के लिए। उसको गलत मत समझो, एक डिवाइन प्लानिंग के मुताबिक हुआ है, बट अभी डिवाइन काउंटर पार्ट वो सोच रहे हैं कैसे करके सब कुछ सही कर दिया जाए, क्योंकि वो समझ चुके हैं अब सही हो। देखो देर से ही सही, बट वो समझ चुके हैं आप सही हो। थोड़ा साइलेंस हो चुका है आपका डिवाइन मस्कुलाइन और आप भी, तो थोड़ा मिस्ट्री हो रहे हैं दोनों के लाइफ में। आप उसके लाइफ का क्या चल रहा है नहीं जान पा रहे हो, फिर भी तो आप टैरो देख के जान पा रहे हो। कोई कोई डिवाइन काउंटर पार्ट भी आपके मस्कुलाइन भी टैरो रीडिंग देखते हैं, और जो नहीं देखते हैं उसको भी बोल रही हूँ। कोई किसी को अता पता समझ नहीं आ पा रहे, बट फिर भी एक खिंचाव, एक एहसास, एक मासूमियत उसके चेहरे पे, सब कुछ आपको याद आ रहा है, आपको महसूस हो रहा है, आपको जो भी कुछ महसूस हो रहा है उसको भी महसूस हो रहा है। बहुत ज़्यादा ड्रीमिंग देख रहे हो, बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन टेलीपैथिकली देख पा रहे हो, ड्रीम में आ रहे हैं, तो ये उस का साइन है जो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपको याद कर रहे हैं बेपना। okay. काल बहुत सारे माय सोल फैमिली सब्सक्राइब किए हो, उस सभी को हर बार लिखे हो दी मैं न्यू सब्सक्राइबर लव यू सो मच, ऑल ऑफ यू लव यू सो मच, आई एम सो ग्रेटफुल। जो भी कोई सुन रहे हो, जो भी कोई मेरे आवाज़ तक आपको सुकून मिल रहा है, सबके मेरे आत्मा से बहुत ज़्यादा प्रणाम, थैंक यू सो मच। इतने प्यारे इंसान देने के लिए यूनिवर्स गॉड को भी थैंक यू, लव यू गॉड। तो फिर आ जाते हैं, आपके डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशानी में है, आप उसको छोड़ दो, स्पेस दे दो, टाइम दे दो, सब कुछ पहले जैसे हो जाएंगे। मैं खुद के एक्सपीरियंस से ही बोल रही हूँ, ठीक है। हम लोग यूनियन में हैं तो जानती हूँ ये सब प्रोसेस है, ठीक है। ये जो सेपरेशन, ऑन ऑफ बबल, सब प्रोसेस है, ठीक है, होना ही है। नहीं हुआ है तो होंगे, और जिसको हो चुके हैं उसका यूनियन होंगे, ओके। बट बैलेंस खो जाओगे तो डिले हो जाएंगे, ठीक है। आएंगे थोड़ा थोड़ा इस महीने में, उसको थोड़ा चेंज होने दो, ये महीना उसको थोड़ा चेंज होने दो। 4-4 पोर्टल बहुत ज़्यादा चेंज को ट्रांसम्यूट करके ले आ रहे हैं आपके ज़िंदगी, ठीक है। मूविंग आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ गलत थे, ठीक है, जिस तरह आप दोनों स्टॉक हो रहे थे, सब कुछ ब्लॉकेज क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। एक बहुत बड़ा सा चेंज हो रहा है, एक बिगिनिंग शुरू हो चुके हैं। बी प्रिपेयर्ड, ओके। तो फिजिकली एंड स्पिरिचुअली आप आगे बढ़ो, जो भी इनर वर्क कर रहे हो वो करते रहो। डीएम कहीं नहीं जाएंगे, डीएम का जाने का कोई स्पेस ही भगवान ने छोड़ के नहीं रखे हैं। जिधर भी जाए भटकते हुए आत्मा आपके पास ही आएंगे, और आप भी छोड़ के जाओगे तो भटकते हुए आत्मा उसके पास ही आओगे, ठीक है। ये सच है, ये ट्रू है, मानो या ना मानो, या आपके मर्जी है, बट सच, गॉड का जो सच है, यूनिवर्स का जो सच है, वो होते ही रहते हैं, ठीक है। तो गाइस वीडियो आज इतने ही तक। अच्छे रहो, अच्छे सोचो, खुद को प्यार करो, एनिमल्स को प्यार करो, और यस मुझे भी, है ना। सो टाटा।